हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में, यानी कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, जोखिम का आकलन करना क्या होता है और रिस्क असेसमेंट बनाने के 5 स्टेप्स क्या होते हैं, कौन से स्टेप को फॉलो करके हम लोग रिस्क असेसमेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसको जो है कि हम लोग जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम एचएससी ट्रेनर। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो देखिए, दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द वर्क एक्टिविटी एंड लोकेशन, इवेलुएटिंग रिस्क एंड देन आइदर इलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन है। इसको जो है कि हम लोग दो हिस्सों में, दो पार्ट में जो है कि देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन याद हो, बल्कि आपको प्रॉपर जो है कि अंडरस्टैंडिंग भी हो कि रिस्क असेसमेंट एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड। रिस्क असेसमेंट एक औपचारिक प्रक्रिया है जिससे हम जो है कि हजार्ड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हजार्ड को जो है कि पहचानते हैं। कौन से हजार्ड को? एसोसिएटेड विथ वर्क एक्टिविटी एंड लोकेशन। जिस एक्टिविटी के लिए हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, उस एक्टिविटी में कौन कौन से हजार्ड्स जुड़े हुए हैं और उस लोकेशन में कौन कौन से हजार्ड्स जो है कि जुड़े हुए हैं, रिस्क असेसमेंट उनको पहचानने की जो है कि क्या है, एक औपचारिक जो है कि प्रक्रिया है, एक फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है। क्लियर है? नेक्स्ट है इवेलुएटिंग रिस्क एंड देन आइदर इलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। उसके बाद हजार्ड को पहचानने के बाद इवेलुएटिंग रिस्क का मूल्यांकन करना, एंड देन आइदर, या तो उसके बाद इलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, या तो जो है कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस रिस्क को पूरी तरीके से इलिमिनेट कर देते हैं, या फिर उस रिस्क को जो है कि एक एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है कि हम एक स्वीकार स्तर तक जो है कि नियंत्रण में लेकर के आते हैं। यानी कि रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उस वर्क एक्टिविटी से और उस लोकेशन से जुड़े होते हैं। उसके बाद हम उसमें जो है कि मौजूदा रिस्क का इवेलुएशन करते हैं कि अभी इसमें जो है कि मौजूदा रिस्क जो है कि कितना है, इवेलुएट करते हैं, रिस्क का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, या तो उस रिस्क को अगर पॉसिबल हो तो पूरी तरीके से हम इलिमिनेट कर देते हैं, या फिर अगर पूरी तरीके से इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो उस रिस्क को जो है कि हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल तक, स्वीकार स्तर तक जो है कि कंट्रोल मेजर लगा करके उसको जो है कि उस रिस्क को और जो है कि एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है कि हम ले करके आते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको ये डिफिनीशन जो है कि समझ में आया होगा रिस्क असेसमेंट का। आगे हम लोग देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट बनाने के 5 स्टेप जो है कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, दिया हुआ है द 5 स्टेप टू रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? द 5 स्टेप टू रिस्क असेसमेंट एज डिफाइंड बाई द एचएससी के द्वारा ये डिफाइन किया गया है। 5 स्टेप हैं जो कि रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए हम लोग जो है कि यूज में लाते हैं। तो पहले रिस्क असेसमेंट बनाने का पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द हजार्ड। जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन में भी देखा था, स्टेप 1 है रिस्क असेसमेंट का कि आइडेंटिफाई द हजार्ड, यानी खतरों की पहचान करें जो भी उस वर्क एक्टिविटी में और उस लोकेशन से जुड़े हुए हैं। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द पीपुल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। उन लोगों की पहचान करें जिनको नुकसान हो सकता है और कैसे उनको नुकसान हो सकता है। क्लियर ना? जब आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सेकेंड में आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि इस हजार्ड से किन किन लोगों को नुकसान हो सकता है, ताकि उन लोगों को आप रिस्क असेसमेंट बनाते समय कंसिडर करेंगे और उनको जो है कि उस हजार्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। थर्ड है स्टेप 3 इवेलुएटिंग द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। इवेलुएटिंग द रिस्क का जो है कि मूल्यांकन करना, एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, और प्रिकॉशन जो भी हम लगाएंगे उस पर जो है क्या करना, निर्णय लेना कि हम कौन सा प्रिकॉशन जो है कि लगाएंगे। जब भी रिस्क को इवेलुएट करने के लिए हम लाइक्लीहुड और जो है कि क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को, या फिर जो है कि प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी के माध्यम से जो है कि रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको लाइक्लीहुड और सेवरिटी नहीं पता है, या फिर जो है कि लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, तो आप एक मेरा दूसरा वीडियो है लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उसे आप वॉच कर सकते हैं और लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझ सकते हैं। जब तक आपको लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर प्रोबेबिलिटी, फ्रिक्वेंसी, या फिर सेवरिटी, ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप रिस्क असेसमेंट कभी भी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो स्टेप 3 है इवेलुएटिंग द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, यानी कि रिस्क का मूल्यांकन करना और प्रिकॉशन पे निर्णय लेना। स्टेप 4 है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। जो भी महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं उनको क्या करना, रिकॉर्ड करना। जो भी महत्वपूर्ण
फाइंडिंग्स हैं, सिग्निफिकेंस फाइंडिंग्स हैं, वो जो है कि उनको क्या करना, रिकॉर्ड करना और उसको लागू करना, यानी कि 1 से लेकर के 3 तक रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। उसके बाद से जो है कि जो सबसे लास्ट और 5 स्टेप है, स्टेप 5 है, वो है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। उस रिस्क असेसमेंट की समीक्षा करना और अपडेट करना जब जब जो है कि उसको क्या पड़े, आवश्यकता मालूम पड़े। तो इसके लिए भी एक अलग टॉपिक है कि रिस्क असेसमेंट को कब कब जो है कि क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हों, लीगल चेंजेज हो रहे हों, ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, तो या फिर जो रिस्क असेसमेंट बनाया हो उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उस पर जो है कि हम लोग बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में ध्यान जो है कि देंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो इस चैनल को जो है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी एम्प्लॉयड। जय हिंद, जय भारत।